हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आज मेरी बर्थडे है, बर्थडे बॉय। लास्ट फ्यू वीक्स काफ़ी बिजी थे मेरे काम पे और फैमिली आई हुई थी, तो हम सेंट्रल एंड में थे जो कि काफ़ी बिजी और क्राउडेड होता है। तो मुझे एक ऐसी हॉलीडे चाहिए थी जो थोड़ी क्वाइट हो, यहाँ पे एक सी हो और कोई ज़रा पीसफुल माहौल हो, थोड़ा ज़्यादा बिजी ना हो। तो यहाँ पे एक विलेज है, टाउन है, काफ़ी क्वाइट, लॉस्टॉफ के नाम से, वहाँ पर मैं आया हूँ। और ज़्यादा कुछ यहाँ पर करने को है नहीं, यहाँ पे एक सी है और ज़ू है जो कि मैं अभी आपको लेके चलूँगा। तो वहाँ जाएंगे और देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा टाउन क्या है। मॉल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी रिलैक्सिंग है। तो अभी तो मैं एक दो घंटे यहाँ बैठूँगा, थोड़ा रिलैक्स करूँगा अपने आप को। उसके बाद जो जो होता जाएगा एज़ यूजुअल, मैं जितना शूट कर सकूँगा मैं दिखाता जाऊँगा। तो हैप्पी बर्थडे बोल दो बर्थडे बॉय को, एंड मिलते हैं फर्दर अप। चाय मैंने ले ली है, पैकेट बिछा लिया है, बैठूंगा एक दो घंटे तक, एंजॉय करूंगा। मतलब यही वाला व्यू है जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मेरा अपोजिट सी साइड है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम बैठ के फिश एंड चिप्स खाएंगे, क्योंकि ये तो परंपरा है ना कि सी साइड पे आओ और फिश एंड चिप्स नहीं खाओ तो फिर हो नहीं सकता। अच्छा, अब जो है सी साइड हमारा हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ ज़ू, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ का ज़ू कैसा है। तो जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था कि ज़ू में कभी ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, तो हियर आई एम ज़ू में। और ब्लॉगिंग का मकसद ये है कि जो आपकी जो लाइफ में हो रहा है वो दिखाओ, तो देख लो यार, फ्री है ना। यहाँ पर जो है एक शेर है और चार शेर नहीं है, एक दो तीन चार पाँच नहीं, एक्चुअली पाँच है, तो एक मेल है और पांच फीमेल्स हैं। लकी गाय है। अच्छा, एक फ्रेम में इतने ज़्यादा शेर कैसे लग रहे हैं देखने में? ओए, भाई शक्ल तो दिखा दे, कुत्ता साला। इस एरिया में थोड़ी बदबू हो रही है, आई डोंट नो एनिमल पिस की। Her name is Barbara, and the one in front of me, her name is Sheila. So you can let all of the other animals come through first. The ones that are... Good girl. Well done. Now, Layla is what's called a milky eagle owl. So Layla's parents may have thought there was something wrong with her. Its name is Layla. और जो बकरियां आई थी उसमें एक का नाम शीला था और बारबरा था, तो ये नाम मिले थे क्या उनको सिर्फ? और ज़ू नियरली हो गया फिनिश हमारा, तो कुछ हमने देख लिया। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी कम है, बकरियाँ वगैरह ज़्यादा हैं, जो कि बकरियाँ वगैरह क्या देखनी है। अपडेट ये है कि चेकआउट कर लिया मैंने, 12 बजे हमारा चेकआउट था। अब नाश्ते की इतनी भूख नहीं लग रही है, तो शायद एक घंटे के बाद हम लंच ही करेंगे।
अभी बीच पे जाने लगा हूँ, एक घंटा वहाँ पे स्पेंड करूँगा, उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल ड्राइव करके घर जाएंगे। दो ढाई घंटे की ड्राइव है टू लंदन, तो घर डन बैक टू नॉर्मल। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की बीचेस की ये लगती है कि यहाँ पे जगह जगह पर लाइफ गार्ड होता है, अगर बीच में कोई स्विम कर रहा है और कोई डूब जाए, ड्राउन हो जाए, तो उसको देते हैं टू हेल्प। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉक के ऊपर क्लाइंबिंग करना मना है, क्योंकि रॉक्स के बीच में काफ़ी गैप है और अगर गिर गया तो इंजरी हो सकती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा, काफ़ी डेंजरस है। अच्छा, मैंने कुछ बताना था आप लोगों को कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी मौका मिला कि सी के बीच में ट्रैवल करने का बाय बोट या बाय शिप, तो उसको जाने मत देना। फिर मैंने भी ट्रैवल किया था कि 5-6 साल पहले, और जो फील्स होते हैं पानी के बीच में मिडल ऑफ नोवेयर, वो अलग ही होते हैं। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी आपने साइन देखा लंदन का, हम लोग घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुंचने वाले हैं। 2:30 बजे निकले थे वहाँ से, अभी 5 बज गए हैं, तो दैट्स इट, अभी घर पहुंचने वाला हूँ मैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर द ब्लॉग गाइस, आई होप यू एंजॉय द ब्लॉग एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम, बाय। बकरियाँ वगैरह यहाँ पे ज़्यादा थी, बकरियों को तो मैं खा भी लेता हूँ।